या राजस्थान के भिवाड़ी से पाकिस्तान पहुंची अंजू इस महीने यानी अक्टूबर के अंत तक भारत वापस आ जाएगी, या फिर अंजू ने भारत वापस आने की तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला है कि अंजू इस महीने के अंत तक भारत वापस आ रही है। अंजू ने बताया कि पाकिस्तान में उसके वीजा की लिमिट समाप्त हो रही है, उसे वापस अपने बच्चों के पास आना है। अंजू ने कहा कि अलवर लौटकर वो अपने बच्चों से बात करेगी और उनके सभी सवालों के जवाब भी देगी। साथ ही अंजू ने कहा कि वो इस देश की सुरक्षा एजेंसियां या पुलिस के भी सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। उसने कुछ गलत नहीं किया है, वो जो भी कर रही है अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कर रही है। आगे अंजू ने कहा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरे माता पिता और परिवार को पल पल की जानकारी थी, और जब मैं पाकिस्तान पहुंची तो सबसे पहले मैंने अपनी बहन को फोन किया था। पति से तो खैर मेरा पहले ही संबंध टूट चुका है। अरविंद ने मेरे खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवाया। मेरे पास इन सभी सवालों के जवाब है और मैं सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बस कुछ दिन का इंतजार और फिर सच सबके सामने होगा। बता दें कि अलवर के भिवाड़ी की रहने वाली अंजू अपने दो बच्चों और पति अरविंद कुमार के साथ रहती थी। उसकी शादी साल 2007 में राजस्थान के अरविंद कुमार के साथ हुई, लेकिन 20 जुलाई को अंजू अपने घर वालों की आंखों में धूल झोंक कर घर से बोलकर निकली थी कि वो अपनी सहेली से मिलने के लिए जयपुर जा रही है। बाद में जब अरविंद ने उसे कॉल किया तो उसका फोन बंद आ रहा था। बाद में बात होने पर अंजू ने बताया कि वो लाहौर में अपनी सहेली के घर आई है, एक हफ्ते में वापस आ जाएगी। लेकिन बाद में पता चला कि अंजू अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से मिलने के लिए सीधे पाकिस्तान पहुंच गई, और पाकिस्तान पहुंचने के बाद अंजू ने अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह के साथ निकाह कर लिया, जिसकी फोटोज भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। और इसके अलावा भारत और पाकिस्तान दोनों की मीडिया में अंजू ने जमकर सुर्खियां भी बटोरी थी। अब अंजू की वापसी को लेकर यहाँ कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या सच में इस महीने के अंत तक अंजू भारत वापस आ जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी अंजू ने भारत आने की बात कही थी लेकिन वो भारत आई नहीं थी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अंजू ने मुस्लिम धर्म अपनाकर अपने प्रेमी नसरुल्लाह से निकाह कर लिया था और वो फातिमा बन चुकी है, तो क्या फातिमा बनने के बाद उसके परिवार वाले और उसके बच्चे उसे स्वीकार कर लेंगे या फिर नहीं। और एक बात, अंजू के पति अरविंद ने अंजू के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया था, तो क्या पुलिस अंजू को गिरफ्तार कर लेगी? ये कई तरह के बड़े सवाल अंजू की वापसी पर यहाँ खड़े हो गए हैं। अब देखने लायक ये होगा कि क्या सच में अंजू भारत आएगी या नहीं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ, शुक्रिया।